after a lot of back and forth, and even at point of time calling off the deal, Elon Musk has now finally purchased Twitter. नमस्कार दोस्तों, 27 अक्टूबर को टेस्ला ने अपनी सवारी में एक नई चिड़िया को आर कर लिया है रिसेंटली। कहने का मतलब है, एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे कंपनीज का ओनर है, एक्वायर कर लिए है सोशल मीडिया कम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को। करीब करीब 44 बिलियन यूएस डॉलर का ये डील थी टू एक्वायर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसके साथ साथ ट्विटर एक प्राइवेट एंटिटी बन गई है एंड इट इज़ नो मोर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए एलन मस्क को 54.20 यूएस डॉलर देना पड़ा ट्विटर का ईच शेयर होल्डर को एक एक शेयर के लिए। इसके साथ साथ एलन मस्क ट्विटर का चेयरमैन कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। सो ये न्यूज़ जितना एक्साइटिंग है उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, ट्विटर को एक्वायर करने के तुरंत बाद ही एलन मस्क ने कंपनी के तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को फायर कर दिया है। उसमें कौन कौन है ना, CEO पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, विजय गढ़े जो कि कंपनी की चीफ पॉलिसी ऑफिसर थे। तो इनको क्यों निकाला गया है, इसका रीज़न को हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एलन मस्क अपने हाथ में एक सिंक पकड़ के ट्विटर का हेड ऑफिस को एंटर कर रहे हैं और इसको ट्वीट करके उन्होंने ये बोला है, लेट दैट सिंक इन। तो इसका मतलब एक जो सिंक होता है, इस सिंक का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसी जगह जहां हम कचरा धोते हैं। तो सिंक को दिखा के वो कहना चाहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, अब मैं ट्विटर में जितनी ख़राब चीज़ है उसको निकाल के फेंक दूंगा, इसको एक ब्रॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। ट्विटर जैसे पहले अब हम सब लोग को फील होता था जैसे सरकारी ऑथोरिटेरियन ब्लॉगिंग साइट है, ऑथोरिटेरियन मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो वैसे नहीं रहेगा। इट विल बी मोर ब्रॉड बेस्ड, इट विल बी मोर रीचिंग टू द यूजर्स। इसके साथ साथ अपने बायोडाटा में जो एलन मस्क का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो अपना बायोडाटा में चेंज करके खुद को चीप ट्वीट के नाम पे रीनेम कर दिया है। तो आप सुन के हैरान हो गए, तो ये जो तीन जो ऑफिसर्स को एलन मस्क ने फायर किया है उनको क्या ऐसा फायर किया कर दिया है? नहीं, पराग अग्रवाल को ऑलमोस्ट 38.7 मिलियन यूएस डॉलर का कंपेंसेशन दिया गया है, सेगल गॉट 25.4 मिलियन यूएस डॉलर एंड गढ़े गॉट 12.5 मिलियन यूएस डॉलर एज ए कंपेंसेशन। तो उनका जो टर्म है, उनका जो एग्रीमेंट था ट्विटर के साथ, जो पुराना एग्रीमेंट था ये तीनों ऑफिसर का, उनको ये ब्रीच कर गया है एंड उनको एज ए कंपेंसेशन ये पैसा दिया जा रहा है। तो ये जो हमारे लिए ये एक बहुत गर्व की बात थी जब पराग अग्रवाल ट्विटर का CEO बने थे, तो क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन है, राजस्थान में उनका घर है, एक IITian होने के नाते वो मतलब देश का नाम बहुत ऊंचा किए थे। तो वो आज के डेट में कंपनी का CEO नहीं रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जो CFO है नेट सेगल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, तो अर्लियर अप्रैल के महीने में जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए इच्छा प्रकाश की थी, तो इनको जो सब्सक्राइबर का डेटा दिखाया गया था बाय द चीफ ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, तो इट वॉज लाइक एग्जैगरेटेड फिगर आ गया था। क्योंकि देखिए, ऐसा कहीं कहीं कभी भी बोला जाता है, मतलब आपका जो फॉलोअर्स है वो कभी कभी बॉट बेस्ड फॉलोअर होते हैं। दैट मीन्स आपको आप हज़ारों फेक आईडी बना लिए ट्विटर में और एक ही अकाउंट को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स आपका रियल फॉलोअर उतना नहीं है, आपका रियल फॉलोअर काफ़ी कम है। आप बॉट बेस्ड फॉलोअरशिप यूज़ करके आप अपना फॉलोअर बढ़ा रहे हो, विच मिसलीड्स द डेटा। तो इसके लिए CFO नेट सेगल को एग्जिट करना पड़ा फ्रॉम ट्विटर। तो विजय गढ़े जो कंपनी के पॉलिसी चीफ है, तो ये वही विजय गढ़े हैं जिनके द्वारा US का जो एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक किया गया था। सब चीज़ है जो अभी चेंजेस हो रही हैं ट्विटर के अंदर एंड एलन मस्क का जो ट्वीट है, उनका जो मैसेज है टू वर्ल्ड that he wants to make Twitter a more reached social media platform, उसको वो अपग्रेड करेंगे, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ट्विटर में आपको यूट्यूब की तरह
ब्रॉडकास्टिंग भी मिल जाए इन फ्यूचर। इन फ्यूचर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ट्विटर पे आप शॉपिंग कर सकते हैं या अपना वीडियोस डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये उनका इन फ्यूचरिस्टिक एक विज़न है। सो लेट्स सी मस्क उसको क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको कभी आप देख सकते हैं नेट में सर्च करके मार्क ज़करबर्ग को भी पूछा गया था, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एलन मस्क बाइंग ट्विटर। इसका रिप्लाई में मार्क ज़करबर्ग ने ये बोला दैट आई एम जस्ट क्यूरियस टू सी वट ही मेक्स आउट ऑफ इट। तो 44 बिलियन US डॉलर में ये डील कम्प्लीट हुई है। तो इस एक्विजिशन के साथ साथ बहुत सारे मीम्स भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो पॉलिटिकल एंगल अगर बात कर रहे हैं हम, तब राहुल गांधी का जो हमारा ट्वीट भी देख सकते, तो इस एलन मस्क का ये मूव में राहुल जी ने ट्वीट करके बोला है होप थिंग्स विल इम्प्रूव सून, क्योंकि राहुल गांधी का अकाउंट भी 2021 में सस्पेंड हो गया था फॉर टेम्पररी टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें वो एक तो राहुल जी ने दलित बच्चे की तस्वीर दिखाई लिए थे और ये प्राइवेसी का ब्रेच है। तो इसके लिए कुछ समय के लिए राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट था फिर सस्पेंड किया गया था एंड बाद में उसको फिर से रिस्टोर करा गया था। बट राहुल गांधी एक ग्राफ दिखा के एक बोल सकते हैं जिस पीरियड में उनका जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया हुआ था तो उसमें उनका फॉलोअर्स नहीं बढ़े। तो उनका ये भी कहना है जो एग्जिस्टिंग ट्विटर में जो मैनेजमेंट था इट वॉज मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये एक एलिगेशन है राहुल गांधी का बीजेपी के अगेंस्ट। तो छोड़िए, वो तो होता रहता है, बट हमें रियली देखना पड़ेगा तो एलन मस्क क्या कर सकते हैं। और एक बहुत शॉकिंग जैसा ट्वीट आ रहा है दैट एलन मस्क प्लान्स टू फायर नियरली 75% ऑफ ट्विटर्स वर्कफोर्स। तो ट्विटर में ऑलरेडी अभी 7,500 के करीब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 5,600 एम्प्लॉय को निकालने के लिए बात चल रहा है। बट ये फेक न्यूज़ है। तो अभी फ्राइडे को अभी एलन मस्क मिले हैं विथ द एम्प्लॉयज ऑफ ट्विटर एंड दैट ही टोल्ड दैट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, चेंजेस होगा कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी का जो वर्क में चेंजेस होगा, बट ये ऐसा नहीं होगा। तो माइट बी कुछ जो फीचर्स ऐड हो सकता है ट्विटर में आफ्टर दिस टेक ओवर। वन इज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो जो ब्लू टिक वाला जो ट्विटर में आपका ब्लू टिक बहुत ट्रेंडिंग है, जो ब्लू टिक मतलब मोर ऑथराइज्ड हो गया, आपका अकाउंट मोर पॉपुलर हो गया, तो ये ब्लू टिक के लिए आप अपना ट्विटर में आपका ट्विटर को पैसा दे सकते हैं एंड इन फ्यूचर आपका जो अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। आज के डेट में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपको लगता है गवर्नमेंट आजकल ट्विटर में ही आ गई है। कभी कभी आपका प्रपोजल देना हो, प्रोटेस्ट करना हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आप ट्विटर में डाल देते हैं। कोई अपना थॉट प्रोसेस हो गया, कोई किसके सपोर्ट में किसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलना हो तो दे पुट देयर थॉट्स इन ट्विटर। तो एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ऐड हो सकता है ट्विटर में इन फ्यूचर। और दूसरी बात है एडिटिंग ऑप्शन। तो आप जानते हैं, कुछ लोग आपसे जानते होंगे, तो एक दूसरा फीचर है एडिटिंग ऑप्शन। तो आप सब में कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि मुझे पता नहीं, बट एक ऑप्शन है ट्विटर में, ट्वीट करने के बाद आपका एडिटिंग ऑप्शन नहीं मिलता, ना कि वो ट्वीट को वापस किया जा सकता है। तो ये चीज़ है जिसमें एक एड ऑन फीचर ऐड हो सकता है। विद इन हाफ एन आवर ऑफ योर ट्वीट यू कैन कॉल बैक योर ट्वीट और मॉडिफाइड डिलीटेड व्हाट एवर इट कैन बी पॉसिबल, राइट। तो उसके साथ साथ और कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग का, जैसे इंस्टाग्राम में रील आ रहा है, ट्विटर में वैसे हो सकता है रील का फीचर्स भी आ जाए। तो वो चाहते हैं ये एक ब्रॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म बने, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें सिर्फ मतलब आपका टॉप लोग ही सब यूज़ ना करें। क्योंकि देखिए, आप हम सब लोगों का फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी है, ये सब है, बट ट्विटर आईडी है, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर यूजिंग दैट ट्विटर आईडी। तो ही वॉन्ट्स टू मेक इट मोर पॉपुलर। सो टाइम ही बताएगा अभी क्या होने वाला है ट्विटर के साथ। तो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नहीं है अगर चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।